हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम देखते हैं कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। पहला है, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली भाषा कौन सी है? तो ये है मशीनी भाषा, असेंबली भाषा, उच्च स्तरीय भाषा। दूसरा है, ईथरनेट में कौन सी टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है बस टोपोलॉजी। मॉडेम का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है मॉड्यूलेटर एंड डेमो डूलेटर। चौथा क्वेश्चन है हमारा, विंडोज एक्सपी में एक्सपी का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है एक्सपेरिएंसेस। कंप्यूटर किस भाषा में कार्य करता है? तो मशीनी। ठीक है, छठवां क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में कौन सा भाग गणना एवं तुलना के लिए उपयोग होता है? तो ALU। सातवां क्वेश्चन है, यदि कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर हो तब कहा वहां क्या कहलाएगा? मल्टी प्रोसेस। आठवां क्वेश्चन है, टाइप डेट किसका इंटरनल कमांड है? तो DOS का। नौवां क्वेश्चन है, विशेष इनपुट अथवा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन किए गए स्पेस लाइट प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। दसवां है, वेबसाइटों को देखने के लिए उपयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो ब्राउजर। ग्यारहवां है, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होगी ऑपरेटिंग प्रणाली। बारहवां है, स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो रूट डायरेक्टरी। तेरहवां है, वह चीज जो निर्देशों को सरलता से समझ गई कहलाती है, यूजर फ्रेंडली। चौदहवां है, वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं क्या कहलाते हैं? सर्च इंजन। पंद्रहवां है, वर्ड में किस डॉक्यूमेंट में किस विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका है? फाइंड कमांड का उपयोग करना। सोलहवां है, बूसर पोस्टर और न्यूज लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा उपयोगी है? टू डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। सत्रहवां है, स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है? तो पावर पॉइंट। अठारहवां है, जंक ईमेल का अन्य नाम है स्पैम। उन्नीसवां है, सीडी रोम का पूर्ण नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। बीसवां है, जीबी को संक्षिप्त रूप क्या है? गीगाबाइट। इक्कीसवां है, फंक्शन कुंजी कौन सी होती है? तो F1, F2, F3। बाईसवां है, चयनित टेक्स्ट को इटैलिक प्रारूप में बदलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+I। 23वां है, किस डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं? कैरेक्टर सेट। 24वां है, ईमेल एड्रेस याद रखने से पहले से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? तो एड्रेस बुक। 25वां है, मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है? फोन लाइन के साथ। 25वां देख लिए। 26वां है, कंप्यूटर से जुड़े केबी का क्या मतलब होता है? किलो बाइट। 27वां है, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग होते हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर। 28वां है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? सर्किट बोर्ड। 29वां है, वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहा जाता है? मदर बोर्ड। 30वां है, पास्कल क्या है? कंप्यूटर की एक भाषा है। 31वां है, कंप्यूटर भाषा 410 किस क्षेत्र में उपयोग तुम चले जाओ यार हैं क्षेत्र में उपयोग की जाती है? विज्ञान। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी होती है? व्यावसायिक कार्य के लिए। हाँ। 33वां है, मल्टीमीडिया वेब पेज वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज कौन सी होती है? जावा। 34वीं है,
34 है कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है एप्लीकेशन। 35वां ईडीपी का क्या मतलब होता है, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। 36 है कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है 12। 37वां है 8 लगातार बिटों की सीरीज को क्या कहा जाता है बाइट। 38वां भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई 15 अगस्त 1995। कुछ अमित भैया कुछ आपके लिए मिष्ठान लाए हैं बाद में। तो हमारा 38वां है भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई तो 15 अगस्त 1995 का। 39वां है वेब क्रॉलर क्या है सर्च इंजन। 40वां है कंट्रोल प्लस एच का क्या करता है दस्तावेज में टेक्स्ट बदलने का शॉर्टकट। 41 है इन्फो स्पेस क्या होता है सर्च इंजन। 42वां है SDLC का क्या संक्षिप्त अर्थ है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। 43 का फोटोशॉप क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 44वां वेडू क्या है सर्च इंजन। 45वां एप्लीकेशन विंडो में टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा बार होता है मेनू बार। ALT प्लस कंट्रोल प्लस C का प्रयोग कहाँ होता है कॉपीराइट प्रतीक बनाने की शॉर्टकट कुंजी। 47 है डॉक गो क्या है सर्च इंजन। वेब स्प्राइडर क्या है सर्च इंजन। 49 है ब्लू रे डिस्क की धारक क्षमता के विस्तार की सीमा क्या है 25 GB से 50 GB। 50वां है यनडेक्स क्या है सर्च इंजन। 51 है HTML का पूर्ण रूप क्या है हाइपर टेक्स्ट मार्क अप लैंग्वेज। 52 है URL किसका संक्षिप्त रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 53 है सर्वाधिक प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो सबसे पहले कब लॉन्च किया गया था 10 नवंबर 1983 को। 54 है सेविंग की प्रक्रिया क्या है मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना। 55 है डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है सब डायरेक्टरी। 56 है ओरेकल क्या है डाटाबेस सॉफ्टवेयर। 57 है असेंबलर का कार है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। 58 वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है टर्मिनल कहलाता है। 59वां लिनक्स का एक उदाहरण है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। 60वां पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना रिबूटिंग कहलाता है। 61वां URL का पूरा नाम पूर्ण रूप क्या है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। 62वां बिग ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं कहलाती हैं आईकॉन्स। 63 है CPU में नियंत्रण इकाई के क्या कार्य हैं कार्यक्रम अनुदेश डिकोड करने के लिए। 64 है डाटा स्टोर करने और परिकलन के लिए कंप्यूटर किस तरह के नंबर सिस्टम का उपयोग करता है बाइनरी। 65 है GUI का पूरा नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। 66 है कंपाइलर क्या करता है उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है। 67 है प्रिंटर किस प्रकार के डिवाइस है आउटपुट। 68 है वर्तमान बेच अद्यतन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है तो कंट्रोल प्लस आर का। 69 है फिजिकल डाटा मॉडल का कौन सा स्तर है निम्न स्तर। 70 है मेक एड्रेस का साइज क्या है 48 bits। 71 है इंटरनेशनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है प्राइमरी। 72 है टास्क बार कहाँ स्थित होता है स्क्रीन बॉटम पर। 73 है EDP क्या है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। 74 है यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो क्या संभावना है इसमें वायरस है। 75 है हार्ड डिस्क के पार्टीशन बनाने के लिए DOS का कौन सा कमांड युक्त होता है fdisk। 76 है ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या है IP एड्रेस का आखिरी एड्रेस। 77 है LAN किसके लिए प्रयुक्त होता है स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए। 78 है वायरस ट्रोजन हॉर्सेस वर्म्स क्या है कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं। 79 है डॉक्यूमेंट में अंतिम एक्शन को पूर्ववत करने के लिए प्रयोग होने वाली शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल प्लस जेड। 80 है इनपुट डाटा को इकट्ठा करके व्यवस्थित करना किसका मुख्य उद्देश्य है डेटाबेस का।
81 है कंट्रोल प्लस सी हेतु प्रयोग किया जाता है, किस हेतु, तो कॉपी करने हेतु। 72 है हमारा सीपीयू, 82 हमारे सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल यूनिट कहलाता है। 83 है ALU का पूरा नाम है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। 84 है कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करना कंट्रोल यूनिट कहलाता है। 85 है ALU परिचालन संपन्न करता है अरिथमेटिक। 86 है क्राई क्या है सुपर कंप्यूटर। 87 पॉइंट एंड ड्राइव डिवाइस कहलाता है, माउस को कहते हैं। 88 है टेक बॉल उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस। 89 है सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर किसका किसे कहा जाता है, लेजर प्रिंटर को। 90 कंप्यूटर का नियंत्रण भाग किसे कहा जाता है, सीपीयू को। 91 है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, यूनिक्स। 92 है सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है जो हार्ड कॉपी क्या है, प्रिंटेड आउटपुट। 93 वह सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं इंस्टॉलेशन। 94 वह है नेविगेशन कुंजी किन्हें कहा जाता है, तो यह जिन कुंजी पर तीर एरो के निशान होते हैं। 95 वह किस बिंदु पर कर्सर की स्थिति को क्या कहा जाता है, ब्लिंकिंग। 96 वह कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप है UPS। 97 वह HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, टेक्स्ट एडिटर की। एक्सेल स्प्रेड शीट का एक्सटेंशन है x.xl। एक्स ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाने वाला सबसे प्रारंभिक कार्य क्या कहलाता है, बूट। 100 शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम से में किसका प्रयोग करती है, तो .edu। 101 वाह स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट है टेराबाइट। 102 वाह SMPS का पूरा नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई। 103 है लाइनों का संग्रह जो कई डिवाइसों को जोड़ता है क्या कहलाता है, बस। विंडोज 7 किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। MCR में C से क्या तात्पर्य, कैरेक्टर। कंप्यूटर में निर्मित स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है, रोम। मौजूदा डॉक्यूमेंट में बदलाव करना क्या कहलाता है, एडिटिंग। मूल स्रोतों से डाटा को कॉपी करने की सुरक्षा प्रदान करना क्या कहलाता है, बैकअप। डॉट्स प्रति इंच DPI से क्या मापा जाता है, कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सल का घनत्व। 110 डाटा फ्लो डायग्राम पर सर्किल क्या प्रदर्शित करता है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया। 111 डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर। CAD का तात्पर्य क्या है, कंप्यूटर एडिट डिजाइन। माइकल बिदेनिस को किसका जनक कहा जाता है, MySQL। DNS का क्या तात्पर्य है, डोमेन नेम सिस्टम। 115 है इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का मतलब है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 116 है OCR का पूर्ण रूप है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। URL का क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस। 118 है GPGP का उपयोग होता है ईमेल सुरक्षा के लिए। 119 है यूनिवर्सल सीरियल बस का संक्षिप्त रूप है USB। 120 है कंप्यूटर में फीड की गई सूचनाओं को क्या कहा जाता है, डाटा। चलिए तो हमने इसमें 120 क्वेश्चन लगभग देख लिए कंप्यूटर से संबंधित, और बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं के लिए। इस लेक्चर को यहीं रुकते हैं।